मैं स्वामी एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए प्रोसेस को लेकर। जैसा कि हमारा अभी पिछली में चल रहा था वन वर्ल्ड सोलर ट्यूशन, तो उसमें हम लोग दो डे मतलब कवर कर चुके हैं, मतलब डे वन और डे टू। तो आज हम लोग उसी पे डे थ्री बनाने वाले हैं, यानी उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी मैंने कुछ वन वर्ल्ड सोलर ट्यूशन को लिया हुआ, जिसके ऑप्शन के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे और कौन से ऑप्शन हमारे सही है वहां तक मतलब करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हम बात करते हैं कि आज के प्रोसेस में हम कौन सा सिनेरियो, कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे सामने आते हैं, किस प्रकार के होते हैं। और इतना मैं बताऊंगा कि ये अपकमिंग वैकेंसीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पिछले पेपर्स में आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो खास करके अगर बात करें तो टीजीटी एंड पीएचटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, एज वेल एज इट विल आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अदर एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे सामने। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सामने तो ऐसे लिखा ही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और डे थ्री, ये कौन से डे में हम लोग कर रहे हैं, डे थ्री मतलब तीसरा दिन हमारा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि डे टू में हमने 22 तक करा हुआ था और डे थ्री की स्टार्टिंग हम करते हैं 23 से। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये है अपना यूजिंग सॉफ्टवेयर साउंड वर्ड्स टू इवेंट ब्लैंक प्लेस, मतलब कह रहा है कि यूजिंग सॉफ्टवेयर साउंड वर्ड टू अवॉइड ब्लैंकनेस, कि मतलब एक अच्छे से ध्वनि का प्रयोग करना है, मतलब एक अच्छे ध्वनि को आपको बोलना है तो उसका ब्लैंकनेस मतलब कि भद्दापन से बचने के लिए। तो भद्दापन से बचने के लिए अगर हम लोग बात करें कि कौन से भाषा का यूज करते हैं, यानी कौन से प्रकार के भाषा का यूज होगा, तो वो बताना है कि साउंड कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आता है, एक है हमारा एफिमिज्म है और एक है यूफिइज्म है। तो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए एजोनेंस है और दूसरा है रिजोनेंस है। तो एजोनेंस तो होता है कि जो मतलब कि स्वरों से स्वरों के लिए बताया जाता है, स्वर रिपीटेशन की बात करता है। और ये देखिए रिजोनेंस होता है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये प्रतिध्वनि होता है, यानी अनुकंपन की बात करता है। अगर इस तरीके से हम अगर बात करें यूफेमिज्म का होता है तो ये मृदु भाषा होती है। अगर एफिमिज्म की बात करें तो ये आपका होता है मंगल भाषण होता है, यानी कि ये एक मंगल भाषण को ये विनम्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा एफिमिज्म, यहाँ पे ऑप्शन होता है सही। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हम अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट नंबर पे आता है वो आता है 24। तो 24 में हम बातें करते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इलिप्सिस लिखा हुआ है। इलिप्सिस का अर्थ होता है कि मतलब गायब हो जाना, तो रिफर्स टू, तो इलिप्सिस रिफर्स टू मतलब ये इलिप्सिस किसको गायब करता है या किस चीज को बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ओमिशन ऑफ वर्ड है, और यहाँ पे देखिए है कि एडिक्शन ऑफ वर्ड है, और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वर्ड है, और नॉट टू द एबल है। तो कहने का मतलब कि जो इलिप्सिस होता है वो बताता है किसी भी चीज का लोप बताता है, यदि वो चीज वहां नहीं होती है। तो मतलब इसलिए देखा जाए तो यहाँ होता है कि लोप, जैसे एक वर्ड आपको मिल रहा है ओमिशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के लोप को बताता है, यानी इट इज द रिफर, यानी कि एलिप्सिस किसको रिफर करता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से अपने मार्क्स को कर पाएंगे, ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे कि एलिप्सिस वर्ड जो रिफर करेगा वो करेगा ओमिशन ऑफ वर्ड्स को करेगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट नंबर आता है कि वन हु लव्स अमंग स्ट्रेंजर, सॉरी ये यहाँ पे ये रहना चाहिए, लिप्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आपका ये रहेगा L I V। तो one who lives जो रहता है, one who lives मतलब जो रहता है among stranger मतलब अजनबियों के बीच में रहता है। एक ऐसा हो जो कि किसके बीच रह रहा हो, अजनबी के बीच रह रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। रेक्लूस मतलब जैसे कि मान लें कि असभ्य होता है, मतलब देहाती हो जाएगा। एलियन का मतलब होता है कि वही प्रकार का विदेशी होता है, जो ऐसे जगह पे है जिससे लोग परिचित नहीं है। और ये लेंगे अगला आप लेते हैं, अगर स्टोरीज आपके सामने आता है क्या आएगा, अगर स्टोरीज का मतलब करें कि ये भी आपका जाएगा। देखिए यदि हम लोग अगर बात करते हैं आपके स्टोइस का, तो स्टोइस का मतलब होता है वैरागी, क्या दिया जाएगा वैरागी। और ये देखिए फिर इसके बाद रस्टिक है, तो रस्टिक आपका गमार से होता है। तो यहाँ पे आपको जो मीनिंग के लिए रोक पा रही है कि वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर मतलब कि अजनबियों के बीच में रहने वाला जो होता है वो किसी से परिचित नहीं, इसलिए उसको क्या माना जाता है, एलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलियन,
ये इसलिए कहते हैं कि जो सबसे अलग दिखता है इस तरीके से, या वो मतलब अपरिचित ही तो होता है जो एलियन आप समझते हैं। यानी अगर मान लो कि हमारे बीच कोई विदेशी आ गया तो वो हमसे क्या अपरिचित है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एलियन, यानी उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एलियन कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है यहाँ पे बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग और भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात ही कर लेते हैं कि अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, कि एक स्थान है जो प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है। देखिए एक स्थान की बात करें जो आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है किस चीज को, रिफ्यूज मतलब सरल, जो सरल को प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है। तो अगर हम बात करें सेनेटिव, ये है सेनेटोरियम, तो सेनेटोरियम का अर्थ आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगर लिया जाए तो सेनेटोरियम का आरोग्य निवास, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे कोई रोग न हो उसे हम बोलते हैं कि आरोग्य निवास हो जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है शेल्टर। अगर शेल्टर की बात करें तो जहाँ पे आपको रहने का स्थान मिल जाए। और नेक्स्ट की अगर बात करें ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब वो होता है जहाँ पे अनाथ लोगों के रखने का स्थान लिया जाता है, यानी कि जहाँ पे क्या होते हैं कि अनाथ रहते हैं। अब ये आता है आपके पास, ये देखिए एसाइलम पढ़ते हैं इसको, तो एसाइलम के पास से अगर बात करते हैं यही एक हो जो कि अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, कि एक स्थान जो शरणार्थियों को लिए दिया जाता है उसी को हम कहते हैं एसाइलम। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये होगा आपका डी, यानी एसाइलम आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं कि अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग एक व्यक्ति रह रहा है एट द सेम टाइम मतलब उसी समय में रहता है एज अनदर, जैसा कि दूसरे रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं। देखिए एक आपके सामने आ रहा है कि आर्केइक, तो अगर हम बात करें कि आर्केइक का मतलब होता है कि प्राचीन से लिया जाता है, अगर किससे लिया जाएगा प्राचीन से, तो देखिए ये हो गया प्राचीन है। नॉस्ट्रम का मतलब है रामबाण यानी दवा है। कंटेम्पोरेरी होता है मतलब समकालीन होता है, मतलब साथ साथ काम करने वाला, ठीक उसी समय पे दूसरा भी व्यक्ति काम कर रहा हो, ठीक है। तो अब देखिए ये कहता है कि नन ऑफ दीज, तो कौन सा होगा, हमसे पूछा भी क्या है, पूछा तो यही है ना कि अ पर्सन लिविंग एट द सेम प्लेस, सॉरी अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, कि एक समय में उसी समय में दूसरा व्यक्ति रहता हो तो उस समय के साथ में काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कहते हैं कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है कि समकालीन, जैसे मान लो कि उसी कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, तो हमारी टाइमिंग तो एक ही होती है, जो टाइमिंग एक होती है तो वो मेरा कंटेम्पोरेरी होगा, अगर मेरे ही समय में काम कर रहा है दैट इज नोन समकालीन होता है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा होता है समकालीन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर लेंगे तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या हमारे पास आता है। तो दोस्तों नंबर नेक्स्ट हमारा है 28, और 28 पे हमें जो ध्यान देना है वो इस प्रकार से हम ध्यान देने वाले हैं कि जरा आप लोग अच्छे से देखेंगे इस चीज को कि 28 पे क्या है। सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, मतलब कोई भी चीज है अगर वो रो में तैयार कर दिया जाए, मतलब कि पंक्ति और लाइनों में अगर उसको आप रखते हैं तो इसे क्या कहेंगे, जैसे कि पंक्ति हो गया और स्तंभ हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपको देखना है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा है ट्रेनिंग टास्क होगा, क्या वो प्रशिक्षण का कार्य होगा। सीक्वेंस क्या वो एक लाइन होगी। टेबल क्या वो सारणी होगा कि क्या वो चाबी होगी। तो यहाँ पे आपको बताया जाए कि जैसे कि अगर कोई भी, अगर ये देखिए रो और कॉलम की बात होती है तो वो पंक्ति यानी और स्तंभ की बात की जाती है। अगर ऐसा कोई चार्ट बनता है जिसमें पंक्तियां भी आ जाएं और स्तंभ भी आ जाएं तो दैट इज नोन आपका टेबल ही कहलाता है। इसलिए ऑप्शन क्या सही होता है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या मिलता है। तो ये कह रहे कि अ पर्सन ऑफ द मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू द कल्चर, कि अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति है ऑफ मटेरियल आउटलुक के मतलब कि बिल्कुल अलग दिखने वाला है एंड इनडिफरेंट टू द कल्चर, और वो कल्चर से क्या है कि भिन्न है, आप कल्चर से अलग है, तो कल्चर से अलग रहने वाले व्यक्ति को आप क्या मानेंगे, आपको यही बताना है। तो अगर हम बात करें कल्चर से अलग रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कि जो कल्चर से अलग होता है वो अशिक्षित होता है या तो असभ्य में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको मिल जाता है। जैसे देखिए ये फिलिस्टाइन होता है,
मतलब अशिक्षित में लिया जाएगा, बार ब्रश होता है। बार ब्रश को हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बार ब्रश जो होते हैं वो अशिष्ट होते हैं, असभ्य होते हैं। अब यहाँ पे नोमेड है, नोमेड में होता है बंजारा, और एनार्किस्ट का मतलब अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो ये होता है अहंकारवादी। एनार्किस्ट होता है क्या? अहंकारवादी होता है। लेकिन हमें जो चाहिए कि वो अ पर्सन मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू द कल्चर चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अशिक्षित, यानी कि फिलिस्टाइन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक और ऑप्शन है कि होमोनिम क्या होता है, होमोनिम इज बताना है। तो क्या ये ऑप्शन आपके पास इस तरीके से आपके लिए है, देखिए कौन सा सही हो सकता है। तो नंबर वन की बात करें तो हमारे पास आता है अपोजिट वर्ड। क्या होमोनिम का मतलब है अपोजिट होना? जी बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर वर्ड इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। ये कहते हैं कि होमोनिम क्या है कि सिमिलर वर्ड होता है इन मीनिंग भी और स्पेलिंग भी, दोनों में ही सिमिलर होता है। फिर देखो ये सी वाली की बात करेंगे, सिमिलर इन साउंड, मतलब ध्वनि में तो साउंड मतलब क्या सिमिलर है, बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी बोलने में तो सामान्य है लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये कहते हैं लास्ट वाला डिफरेंट इन द साउंड, यानी कि बोलने में ही अलग होता है, एंड सिमिलर इन मीनिंग, उसका अर्थ बराबर होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि होमोनिम वो चीज होती है कि जो साउंड दोनों का एक ही जैसे निकलेगा बट दोनों की मीनिंग अलग जैसे हो जाएगी। बिल्कुल अगर आप कह सकते हैं तो ये कहिए आप जैसे हियर करते या फेयर कह दीजिए। अगर इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझ लो कि फेयर, तो यहाँ पे आपको फेयर क्या है कि दोनों क्या है ना, बोलने में एक जैसे लग रहा है। कैसे लग रहा है? एक जैसे लग रहा है। फेयर आप करेंगे क्लियर, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू फेयर कि मतलब डिफरेंस बिटवीन फेयर, कि जब बोल रहे हैं आप तो दोनों का साउंड एक है कि फेयर और फेयर, बट दोनों की मीनिंग अलग है। ये फेयर क्या होता है? किराया का है। तो ये वाला फेयर क्या है? सुंदरता का है, यूनिशाफ का है। तो इसलिए देखा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा, सी वाला। रीजन क्या है कि सिमिलर इन साउंड, बोलने में तो सामान्य हो गए बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन दोनों के अर्थ एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो होमोनिम को याद रखेंगे, बोलने में एक जैसा बट अर्थ देगा अलग अलग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम 31, और 31 पे हमारे लिए क्या है वो इस प्रकार है, आपके सामने है। one who hates mankind is called, कहने का मतलब कि एक वह व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करे उसे क्या कह सकते हैं, क्या इगोइस्ट कहेंगे, अहमवादी कहेंगे। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे इगोइस्ट का मतलब अहमवादी होता है। अगर इगोटिस्ट कहें दे तो स्वार्थी होता है। इगोइस्ट कहें अहमवादी, इगोटिस्ट कहें तो स्वार्थी। अब इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी होता है। अब आपके पास बचता है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप का उत्तर हिंदी में मिसेंथ्रोप के लिए जाती है मानव द्वेष, यानी मानव द्वेष ही जो मानव से घृणा करे। और हमारे मीनिंग में तो ही कहते हैं कि वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, कि एक वह जो मानव जाति से नफरत करे उसे मानव द्वेषी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं मिसेंथ्रोप। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिसेंथ्रोप कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं मानव द्वेषी कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 32 आपका लास्ट भी है आज का, बेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज, मतलब कि नेक्स्ट अगला हो और टच भी करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अगला भी है और टच भी करता है तो व्हाट विल बी कॉल्ड, हम क्या उसे करेंगे, क्या कहेंगे। एडजॉइन बिल्कुल लगा हुआ, एडजेसेंट बिल्कुल पास पास जुड़ा हुआ, एडियल और एडाप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि चारों ऑप्शन को रिनोट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये वाली कंडीशन को जो फुलफिल करता है उसे कहते हैं हम एडजेसेंट, और हिंदी में बात करते हैं कि आसन्न होता है, ये आसन्न हो या बिल्कुल आपसे क्या हो, जुड़ा हो, यानी अगला हो और जुड़ा हो, तो ऐसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट और हिंदी में बोलते हैं आसन्न, ठीक है। पास पास होना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बिकॉज आपने अच्छा एंजॉय किया होगा इस वन वर्ड सेलेक्शन के सिलेक्शंस में, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एनालिसिस हुआ एक एक
ऑप्शन को एनालिसिस करने के बाद हम ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। सो आई रिक्वेस्ट इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू मोस्ट एंड ऑल्सो वैल्यूएबल वीडियोज। तो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी डे 4 का इंतजार आप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वन वर्ड सब्सक्रिप्शन डे 4 के साथ।